अभ्यर्थी हैं, बीटेक सीटेट पास अभ्यर्थी जो सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन जो 7 मई से चल रहा है, आज मेरहवा दिन आंदोलन का है और ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन चलता रहेगा। आप सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है, बीटेक सीटेट जितने भी बिहार के और तीसों जिला के जितने भी बीटेक सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, सभी से अनुरोध है कि आप लोग आंदोलन में आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है, जब तक हमारा नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग नहीं दे देती है ये आंदोलन चलता रहेगा। कल से हमारा भूख हड़ताल है, हमारा 5 सदस्यीय टीम कल से भूख हड़ताल पर बैठे और भूख हड़ताल करेगी। उसके बाद हम लोग आमरण अनशन का चेतावनी देंगे, उसके बाद आजमदा का भी हम लोग चेतावनी देंगे और सरकार से अपना नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। आप सभी अभ्यर्थी जो घर में बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गर्दनी बाग आइए, क्योंकि ये हमारी अकेली की लड़ाई नहीं है, आप सभी अभ्यर्थी की लड़ाई है। आप लोग की संख्या जितनी ज्यादा होगी सरकार हमारी बात बड़ी जल्दी मानेगी। ये आंदोलन 13 दिन से चल रहा है, आज 13वां दिन है और आगे ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। और कल से हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और जो अभ्यर्थी घर में बैठे हैं जो किसी कारणवश नहीं आ सके, उन सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है कि आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए। निखिल जी का अकाउंट नंबर जारी हुआ है, उस नंबर पे आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि जो यहाँ अभ्यर्थी आए हैं उन लोगों को हम लोग रख सके, खाना खिला सके, तमाम सब तरह की सुविधा दे सके ताकि वो लोग आंदोलन का हिस्सा बने। और आप सभी लोग से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन में आइए। कल से हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम है और उसके बाद हमारा ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। कुछ महिला अभ्यर्थी के लिए जो नहीं आ रही है, महिला अभ्यर्थी घर में बैठी हैं, उन सभी से अनुरोध है कि हमको देखिए कि पिछले 13 दिन से हम कैसे मेहनत कर रहे हैं। आप लोग घर से निकलिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आप लोग की संख्या जितना ज्यादा होगी सरकार उतना जल्दी हमारी बात सुनेगी। आप सभी लोग से आग्रह है कि आंदोलन में आइए और तीसों जिला के जितने भी बीटेक सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, हमारे लिए नहीं अपने लिए, अपने नोटिफिकेशन के लिए, अपने नौकरी के लिए इस आंदोलन में आइए। हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है और ये चलता रहेगा और कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जो अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं, जो दूर दराज है किसी कारणवश, वो आर्थिक सहयोग कीजिए, हमको बहुत जरूरत है, आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। इसलिए सभी अभ्यर्थी सर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और आर्थिक सहयोग। तमाम छात्रों से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आप गर्दनी बाग कल जरूर आए, क्योंकि कल से हम लोग का भूख हड़ताल होगा और भूख हड़ताल के 5 लोग बैठ रहे हैं और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगा जब तक हमें की नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। और बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थियों से मैं यह बात कहना चाहता हूँ, यह नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता है तब तक आकर हम लोग का साथ दीजिए और भूख हड़ताल में हम लोग का आप शारीरिक तौर पर ही एक समन्वय बनाकर संगठन के साथ दीजिए। और बिहार के अंदर रहने वाले तमाम महिलाओं से मैं गुहार लगाकर उन बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आप ही पटना की धरती पे आइए और हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करने में अपना एक मार्गदर्शन दीजिए। और सबसे बड़ा चीज ये है कि जो आज तक घर बैठे सुन रहे हैं सारे बातें को, अभी तक जो 13 दिन आप लोगों ने गलती किया, पटना की धरती पे नहीं आया, वो सबसे बड़ी गलती जो आपकी थी वो खुद की गलती थी। लेकिन हर दिन गलती तो नहीं कर सकते है ना, आप आइए, आपका स्वागत है, हाथ जोड़ कर आप लोग का विनती करते हैं, आप लोग आइए और साथ दीजिए। सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं मीडिया प्रभारी होने के नाते कहना चाहता हूँ सारे विद्यार्थी, बिहार के अंदर रहने वाले सारे विद्यार्थियों को, खासकर महिलाओं को, क्योंकि बिना महिला का यह आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा और महिला रहेंगी तो उनके नेतृत्व में भी आंदोलन होगा, क्योंकि एक महिला से ही पुरुष है, एक महिला से ही पुरुष है, एक महिला जो होती है वो सर्व गुण संपन्न होती है हर क्षेत्र में और उन्हीं के मार्गदर्शन पे एक आयाम बनेगी, नई नीति बनेगी, उसके अनुसार भूख हड़ताल के अंदर होने वाली जितनी सारी प्रोग्राम है उसको परिपूर्ण की जाएगी। आप लोग आइए, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं बिहार के और तीसों जिला से, जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संगठन को जोड़िए और संगठन को जोड़ने के बाद भूख हड़ताल में शामिल होकर हम लोग का साथ दीजिए। आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, कुछ कुछ अभ्यर्थी जिंदाबाद, राष्ट्रपति जी का संग जारी करो, शिक्षा मंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, राष्ट्रपति संग जारी करो, जारी करो, जारी करो, आवाज़।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।